क्या हाल है भाई लोगों के, मस्त सब। तो ये आज तुम्हारा भाई सोच रहा था कि क्यों ना अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, क्योंकि एक बाइक लवर को साउंड वाली बाइक चलाने का अलग ही मजा आ जाता है। तो उसके लिए तुम्हारे भाई ने यूट्यूब खोला और उस पर सर्च किया कि देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो खूब ब्राउज करने के बाद यूट्यूब मेरे को बस दो ही ऑप्शन मिले, एक जो कंपनी दे रही है डेटोना और सेकंड वन एस यू प्रोजेक्ट। तो उसमें यार कुछ खास मतलब समझ नहीं आ पाया मेरे को। तो तुम्हारे भाई ने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें तुम लोग 10 से 12 ऑप्शन देख पाओ और घर बैठ कर ही डिसाइड कर पाओ कि तुम्हारी वर्जन 3 में कौन सा एग्जॉस्ट बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं फिर सीधा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने मोंटी भाई के पास और उनकी हेल्प से हम लोग ये सारे एग्जॉस्ट लगवाने वाले हैं 10 से 12। तो बस एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, पूरी वीडियो को इसको एंड तक देखना और हेडफोन जरूर यूज़ करना, तभी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन से एग्जॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो चलो फिर सीधा चलते हैं, इंस्टॉल करते हो बाइक में एग्जॉस्ट। और इसी के साथ हम लोगों की बाइक यार बीत रही है, ये हम लोग अपने भाई हैं, हमारे बड़े भाई, इनकी हेल्प से इंस्टॉल करवा रहे हैं हम लोग अपना ये फुल सिस्टम। तो ये इसके फेयरिंग्स के नट खोल रहे हैं हम लोग, नीचे इंजन की जो इंजन कवर है ये खोलना पड़ेगा हमें इसके लिए। और हमारे विवेक भाई लगा रहे हैं, ये बैंड पाइप लगा रहे हैं इसमें, इसी बैंड पाइप के साथ कोई भी हम स्लिप ऑन लगा सकते हैं। तो वो हम करने वाले हैं, पहले बैंड पाइप लगाते हैं, फिक्स करते हैं इसको, विवेक भाई फिक्स कर रहे हैं हमारा, उसके बाद हम स्लिप ऑन लगाने वाले हैं। सारे 8 से 10 स्लिप ऑन लगा के हम देखने वाले हैं किसका क्या साउंड आ रहा है, ठीक है? तो सुनना अच्छे से। और अब तो कच्चे कच्चे बहुत कनेक्ट लगा रहे हैं, और करना भी लगा रहे हैं। और हाँ यार देखो एक चीज़ और, अगर कभी भी आप लोग एग्जॉस्ट लगवा चेंज करा रहे हो ना, स्टॉक से जा रहे हो, तो हमेशा फुल सिस्टम के लिए ही जाना यार, ऐसा नहीं है। फुल सिस्टम के बहुत बेनिफिट है अपने को, बेनिफिट ये है देखो, अब मेरा स्टॉक वरना पूरा एज इट इज़ है, अगर मेरे को कभी स्टॉक पर जाना है तो सिंपली मेरे को दो नट खोलने हैं, थोड़ी फेयरिंग थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस वाली, क्योंकि ये फेयरिंग फुल फेयरिंग बाइक है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, बाकी कभी मैं चेंज कर सकता हूँ। फुल सिस्टम पे ही जाओ, कभी कटवा के और जुगाड़ वाला काम मत करवाना। ये हमने लोग लगाया पहले एस सी प्रोजेक्ट मोटो जी पी, इसकी साउंड सुनते हैं पहले कि कैसी साउंड आ रही है इसकी। देखो अभी आपको सुनाता हूँ, बाइक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसके बाद दूसरा लगा के देखते हैं हम लोग, दूसरा लगाने वाले हैं, दूसरा एक्सी प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं हम, ये भी मोटो जी पी एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी है, ये छोटे साइज वाला है, मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है लुक वाइज, बाकी अपने अपने प्रेफरेंस है। आप पहले वाले का साउंड ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आ गया उसके साथ, तो अलग ही।
सेकंड वन है हमारा, इसका साउंड सुनते हैं और देखो आपको जो पसंद आए मेरे को डीएम करके जरूर बताना। बहुत ही कान सुन बढ़ गए, विदाउट टीवी किलर है हमारा जो भी है, फुल सिस्टम विदाउट टीवी किलर साउंड चल रहा है ज़्यादा। अब हम लगाने वाले हैं ऑस्टिन रेसिंग, अब ऑस्टिन रेसिंग की साउंड सुनना आप लोग कैसी है, और ये विदाउट टीवी किलर चल रहा है सारा। इसमें हम डीबी किलर लगा के अगर हम लोगों को सिटी राइड्स करनी है तो कम कर सकते हैं इसका साउंड। सारे एग्जॉस्ट एक से क्या भाई, इसने तो कान ही सुन कर दिया मेरे बकायदा। अब कौन सा लगा के दिखाए, अब लगा के दिखाते हैं हम लोग SC प्रोजेक्ट का है रेनबो एडिशन, ये भी मोटो जीपी टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोगों को सिटी राइड्स करनी है तो सिटी में हम लोग इसका डीबी के लिए लगा के साउंड कम कर सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। बाकी जब राइड्स पे जाना है अब देखो मेरे तो कान सुन पड़ गया यार, ये वीडियो बनाते बनाते ना, पर क्या करे तुम लोगों के लिए करना पड़ता है। अब हम लोग लगाने वाले हैं योशुमुरा का लगाने वाले हैं, इसका साउंड सुनना गजब ही होगा। इसके साउंड के साथ तो इसका तो अलग ही मतलब देसी जिसे कहते हैं ना, मतलब एक जो चाहिए होता है हम लोगों को बाइक लवर्स को वो था इसमें पूरा। बाकी सारे एग्जॉस्ट का अलग ही मज़ा आ रहा है, पर इसका थोड़ा सा देसी था। दूसरा ट्राई करते हैं हम लोग, ये हम लोगों का कौन सा है ऑस्टिन, ये हम लोगों को ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट बिल्कुल कार्बन फाइबर फिनिश में है पूरा का पूरा, और बहुत ही क्यूट लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा SC कस्टम, और ये हम लोगों का कस्टम वाला कस्टम एग्जॉस्ट है हमारा, ये रेनबो फिनिश में है।
यार अभी आप लोगों को मैंने ना कुल मिला के 6 से 7 एग्जॉस्ट स्लिप ऑन की साउंड सुना चुका हूँ मैं आप लोगों को, और बकायदा पूरे 10 करने वाला हूँ आप लोगों को। अब आप लोग बताना मेरे को कौन से में आपको मज़ा आया है, और मेरे को DM जरूर करना, जो आपको चाहिए वो भी मिलेगा। ये हो गया कौन सा है, और ये कार्बन फाइबर फिनिश में रेस फिट्स का एग्जॉस्ट है ये, सबसे बढ़िया। पर्सनली तो मेरे को बहुत ये वाला अच्छा लग रहा है, देखता हूँ मैं अपनी बाइक में यही वाला फिट करवाऊँगा। बाकी मेरे को तो पर्सनली ये रेस फिट का लगा, मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक में यही फिट करा लेता हूँ। बाकी हम लोग सारे ट्राई कर चुके हैं, अभी एक बचा है उसको ट्राई करते हैं फिर बताते हैं। मेरे को तो अभी तक रेस फिट, मेरे को जो मेरी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग मेरे को रेस फिट ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी सबका ही साउंड ना गजब, कान बिल्कुल सुन हो चुके हैं। देखो आप लोगों को मैंने पूरे 10 एग्जॉस्ट की स्लिप ऑन्स की साउंड सुना दिया, जो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रेंज के हैं, जिनकी रेंज देखो 3000 से स्टार्टिंग होती है हमारे स्लिप ऑन्स की। पर ये वाला एग्जॉस्ट ना एक्सपेंसिव वन है बहुत ही ज़्यादा, और लुक वाइज ज़बरदस्त लग रहा है मेरे को तो, देखने में तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसका साउंड सुनते हैं, मेरे को तो अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद यही आया है। एक्सपेंसिव है इसलिए नहीं, इसकी बात ये लग तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।